स्वागत अभिनंदन आभार आपका एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग होने वाला है ऑल द वे फ्रॉम खेत से, सीधा ब्लॉग होने वाला है हमारी जो खेती है खेत से। और जैसा कि आपको पता है कि मैं गांव में रहता हूं और गांव से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड चीज़ें आपको हमारे वीडियोस में मिलती हैं। तो आपको जो मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वो देखिए, ये है ट्रैक्टर, वो छोटा सा दिख रहा है आपको लेकिन ये एक्चुअल में भी बहुत छोटा ही है। और वो भाई साहब उसके बगल में खड़े हुए हैं, देखिए तो एक कार के बराबर ये ट्रैक्टर है, जो छोटी कार होती है उसके बराबर ये ट्रैक्टर है। बहुत ही हैंडी, बहुत ही फ़ायदेमंद ये ट्रैक्टर है और ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा, और जो छोटी खेती करते हैं, जिनके पास छोटा छोटा खेत है, छोटी ज़मीन है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। और हमारे खेतों में हो रही है, देखिए वहाँ पर वो सारी माताएँ बहनें हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, वो कर रहे हैं मटर की जो है खेती हो रही है, मटर की बुआई हो रही है। तो हम मटर की बुआई दिखाएंगे आपको, कैसे मटर होती है, और बाकी इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं ट्रैक्टर के पास में। तो ये है देखिए, ये ट्रैक्टर है और ये इतना छोटा है, यानी कि कार के बराबर का ये साइज का ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं भैया से, जो इसके ओनर हैं। आइए मिलते हैं ट्रैक्टर के ओनर। कैसे हैं आप? नमस्कार आदि। और आपका शुभ नाम क्या है ये बता दीजिए। हिमांशु पौड़ियाल। हिमांशु पौड़ियाल जी हैं। हिमांशु पौड़ियाल जी, ये ट्रैक्टर कब खरीदा आपने और इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं आप। जी, ये है महिंद्रा का जीवो है, 245 24 HP में आता है। इसको मेरे पास एक साल हो गया है। हाँ जी, होने वाला, मतलब इसी महीने एक साल हो जाएगा। एक साल हो जाएगा, ओके। छोटी खेती में बहुत मतलब कारगर है ये ट्रैक्टर। छोटी खेती में कारगर है। अब खेत वगैरह सब छोटे होते जा रहे हैं। जी जी, खेती छोटी होती जा रही है। हाँ, छोटे कामों में बहुत मतलब नुकसान नहीं करता है। नुकसान नहीं करता है, ओके। और ये जो है कॉर्नर वॉर्नर निकालने के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ। जैसे ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर घूम नहीं पाते हैं या कॉर्नर निकाल नहीं पाते, ये नहीं छोड़ता, ये सब कंप्लीट कर देता है। हाँ। ओके, और इसमें क्या है, इसकी खपत क्या है, किस तरीके से ये चलता है, कैसे एवरेज है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर, इसमें करीब 3 लीटर घंटे का ये इसका एवरेज निकल के आता है। अच्छा, अगर लोड में चलाएं तो, मतलब लोड में चलाएंगे तो 3 लीटर पर घंटे का हिसाब से इतना पी जाता है। अच्छा, और इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम, ये बताओ मंजू भाई। सभी काम हो सकते हैं सर। हाँ, इससे 4x4 है। अच्छा, 4x4 है ये। हाँ। ओके, ठीक। इससे धान में भी ये काम आता है, गेहूं, मक्का, सभी चीज में काम आता है। अच्छा, कहीं पर फेल नहीं है, मतलब छोटे किसान के लिए कहीं पर फेल नहीं है। अच्छा, काम करेगा, बड़े ट्रैक्टर से बढ़ के ही कर दे। अच्छा अच्छा, और जैसे इसमें जैसे लोड हम लेके जाए, जैसे छोटी ट्रॉली वगैरह हम इसको यूज करें, 50 क्विंटल तक आराम से इसको खींचा जा सकता है, मतलब लोड ले जा सकते हैं बाहर। तो किसान, बाहर के किसान तो इसमें 70-70 क्विंटल की वीडियो देखी मैंने। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरे पास ट्रॉली अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन इतना आराम से ले जाता क्योंकि 4x4 है ना। ठीक ठीक ठीक, खिंचाई भी अच्छी है। ओके ओके, और इसकी क्या है मतलब जो विशेषताएं हैं इसके, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, ये ऑपरेट ये यहाँ से है सारी चीजें। हाँ, ये लिफ्ट के कंट्रोल है। हाँ, ये लिफ्ट के कंट्रोल यहाँ पर है। हाँ। जैसे नॉर्मली यहाँ होते थे पहले ना, जो बड़े ट्रैक्टर के वैसा ही है। अच्छा, पूरा ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, उधर क्लच हो गया। हाँ जी, ये 4x4 का लीवर है। अच्छा, वो लीवर हो गया 4x4 का, ठीक है। ये हाथ वाली रेस हो गई, ये हाथ वाली रेस है, ठीक है। और बहुत ही हैंडी है, बहुत ही ज्यादा मतलब ना छोटा सा, एकदम सारी चीजें कॉम्पैक्ट करके दे दिए हैं। हाँ। और इसका सबसे बड़ी बात ये बताइए कि इसका जो प्राइस है ये कितना होता है? ये 5 लाख के लमसम। अच्छा, 5 लाख के लमसम में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। हाँ। ओके, ओके। सब्सिडी इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें सब्सिडी नहीं है, छोटों में नहीं है। अच्छा, बड़े में सब्सिडी होती है अगर कुछ ज्यादा टर्म्स लगाए जाए तो। हाँ, लेकिन बड़े में भी मुश्किल है अब तो, इसमें नहीं है। पहाड़ों में मिली, छोटे हाथ वाले ट्रैक्टरों में मिलती है, इनमें नहीं मिली है। अच्छा, वो छोटा हाथ वाला ट्रैक्टर कितना हैंडी है, मतलब कितना कारगर है वो? वो वैसे तो अगर हम मार्केट में उसको लेने जाएं तो 70-80 हजार है। हाँ। और अगर हम लोग पहाड़ में ले रहे हैं सब्सिडी में, हमारे पहाड़ में वो 17-18 हजार में उन्हें गवर्नमेंट दे दे रही है। अच्छा, उपलब्ध हो जा रहे हैं। ठीक, मतलब वो कारगर है, वो काम करने के लायक है, मतलब पहाड़ के लिए वो सही है, पहाड़ के लिए ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत ज्यादा छोटे खेत होते हैं, गहराई में खेत होते हैं, फिर ऐसे ही। हाँ हाँ, ये ट्रैक्टर वहाँ पर नहीं चल सकते। हाँ हाँ, ये यहीं के मतलब थोड़ा जिनके पास थोड़ा इस तरीके के सीधे सीधे खेत हैं। और मेरे साथ है मेरी मम्मी, और मम्मी ये हैं, देखो मम्मी कैसा लग रहा है यार ये ट्रैक्टर, पहली बार हमारे खेत में आया, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा ट्रैक्टर, बड़ा अच्छा देखने में, बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, मैं आज पहली बार ऐसा लग रहा है खिलौना जैसा, खिलौना जैसा, बच्चों का जैसा खिलौना। हमने आज पहली बार देखा ये, और पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया, पहले बार आया हमारे खेत में, पहली बार आया, बहुत ही छोटा। हाँ, बहुत ही छोटा, क्योंकि पहले हम लोग बड़े ट्रैक्टर से काम करते हैं, लेकिन ये आज पहली बार आया है क्योंकि मटर की बुआई है। और तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खिलौना जैसा ट्रैक्टर है। छोटा सा, कार से भी छोटा है, कुछ जो बड़ी कार होती है उससे भी छोटा है ये। तो ये देखा आपने व्यूअर्स, ये है ट्रैक्टर हमारा, और ये बहुत ही हैंडी ट्रैक्टर है, छोटा सा ट्रैक्टर है, देखिए एक कार के बराबर है। तो इसको जो छोटे किसान हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल है, और आज हमारे खेत में आया है ये।
तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना ही चाहिए और एक वीडियो बनती है इसके लिए। और तो जो जानकारी भरे ब्लॉग आप हमारे देख रहे हैं, वीडियोस हमारे देख रहे हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर्स वारंटी। इसमें ऑलरेडी ये जो है 5 ईयर्स वारंटी के साथ आ रहा है। तो वारंटी का मतलब क्या हुआ हिमांशु भैया? 5 साल तक अगर मतलब कोई अगर फॉल्ट आता है तो कंपनी इसमें करके देगी कुछ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज होगी ये कंपनी करके देगी। ओके ओके ठीक, जानकारी के लिए धन्यवाद यार हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा इसके बाद क्या होगा? पाटा लगेगा। अच्छा तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर ये मटर की जो है बुआई हो रही है। देखो ये ट्रैक्टर ने बनाया और इस तरीके से जो है ये मटर का बीज जो है ये सामने देखिए, ये है मटर का बीज। एक मिनट देखो, ये देखिए ये है मटर का बीज, ये मटर आपको दिखाई दे रही है, ये मटर का बीज है। 200 रुपये किलो है ये। ओके ये देखिए इस तरीके से जो है ये इस तरीके से जो है ये देखिए मटर की बुआई होती है। ऐसे करके बीज डाला जाता है जैसे ये बहन हमारी डाल रही है। और इस तरीके से देखिए सारे खेत में जो है मटर का बीज डाला जा चुका है। और अब इसके बाद ये जो ये देखो इस ट्रैक्टर का देखिए पार्ट देखिए कितने हल्के होते हैं, कितना वो होता है। देखो दो आदमी उसको उठाकर साइड में रख दिया है, उसको जो हैरो है। और बाकी अब जो है उसका ट्रैक्टर जो है पटला जोड़ेंगे। देखिए अब जो छोटा सा हमारा ट्रैक्टर है वो स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट होने के बाद अब जो है वो पाटा लगाएगा यानी कि पटला लगाएगा। इस जो खेती में हमने बुआई की है इस बुआई को मटर को बंद करेगा ताकि वो जो बीज हैं वो अंकुरित होंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये ट्रैक्टर चलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ चलते हुए। और ये देखिए वहाँ पर वो जो ट्रैक्टर का पाटा है उसमें इसको ज्वाइन करेंगे, आइए देखते हैं उसको। ये है ट्रैक्टर और इस तरीके से इसका जो है ये पाटा जुड़ रहा है, ये देखिए। अच्छा इसको भारी करने के लिए देखो उसके ऊपर बैठना पड़ेगा। तो ये जो भाई लोग हैं हमारे ये देखो ये दोनों भाई लोग इस पे बैठेंगे और इस तरीके से जो है ये पटला लगेगा और ये जो मटर की जो बुआई हुई है इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए ये चल रहा है ट्रैक्टर, और ये छोटा सा ट्रैक्टर इस खेत में चलता हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है और एक खिलौने के जैसे ये ट्रैक्टर है। ये देखिए इस तरीके से ये चल रहा है और ऐसे करके ये देखिए। आइए चलिए जानते हैं थोड़ा सा हमारी जो बहनें हैं माताएं उनसे कि छोटा ट्रैक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बड़ा ट्रैक्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है जो हमारी बहनें आपको बताएंगी अभी। हम यहाँ पर बड़ा ट्रैक्टर क्यों नहीं लाए? बड़ा ट्रैक्टर से वो जो ये होते हैं वो गहरे हो जाते हैं, मटर का बीज जो है उसके भारी वजन से और उससे ना वो अंदर चला जाता है बहुत, और इससे थोड़ा ऊपर ही रहता है क्योंकि हल्का है, जल्दी उग के आता है। ठीक ठीक ठीक। और क्या काम होते हैं इससे ट्रैक्टर से जो कह रहे हो आप? पट्टे भी बनते हैं, टमाटर की पट्टे, टमाटर के टमाटर के पट्टे भी बनते हैं। अच्छा इसी से बनाते हैं? इसी से बनाते हैं क्योंकि हल्का होता है इसके लिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा बड़े ट्रैक्टर से नहीं बन पाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक फायदा ये भी है क्योंकि ये वेट में थोड़ा हल्का होता है। इसके लिए जो ऐसी खेती है जो जैसे मटर है या फिर टमाटर के पट्टे हैं उनके लिए इस ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होता है और किसानों के लिए ये बहुत यूजफुल हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है ना ये छोटा ट्रैक्टर है और ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है और छोटा है हल्का है, इसकी वजह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो खेती जो हम लोग कर रहे हैं ये मटर की, इसमें जो होता है कि बीज जो है उसको ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ मटर जो है वो उगती नहीं है, वापस आती नहीं, अंकुरित नहीं होगी और काइंड ऑफ बीज ख़राब हो जाएगा। और जो है इसके जो हैरो होते हैं वो भी हल्के होते हैं और जो छोटे हैरो से जो है लोगों का नुकसान भी कम होता है। क्यों भाई? वो मतलब मिक्सिंग वगैरह के लिए सही है। मिक्सिंग वगैरह गाय में तो फिर ये थोड़ा सा हम भी खुद बड़े ट्रैक्टर बुलाते हैं लेकिन मिक्सिंग वगैरह में बेहतर, मिक्सिंग वगैरह के लिए ठीक है। और जैसे ये बीज वगैरह हम डाल रहे हैं ये वाला या फिर टमाटर का तो उसमें ये कारगर है। हाँ। उसमें ये कारगर है। तो आज हमने जाना इस ट्रैक्टर के बारे में, इसकी खूबी के बारे में, और हिमांशु भाई ने हमको बखूबी इसकी खूबियाँ बताई और हमने आपको दिखाया कि कैसे ये ट्रैक्टर चल रहा है खेत में। आज पहली बार हमारे खेत में ये ट्रैक्टर आया था तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि काश्तकार से, किसान से डायरेक्ट खरीदने की कोशिश किया कीजिए। अनाज है, सब्जी है, कुछ भी है तो उसको उसका सही मूल्य मिल पाएगा। तो ये है छोटा ट्रैक्टर और इससे होते हैं सारे काम जो एक छोटे किसान को चाहिए, वो इससे सारे काम हो जाते हैं।
और जो है सर्विसिंग के बारे में पूछते हैं हिमांशु भाई से। हिमांशु भाई, सर्विसिंग कब कब होती है और कितना खर्चा आता है इसमें? पहली 70 में कराई थी, 70 घंटे में, अब 400 में होने वाली है। अच्छा, तो कितना आपका खर्चा आया था? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का, हाँ। केवल ऑयल वगैरह चेंज हुआ था, इस बार फिल्टर वगैरह चेंज होंगे तो 3000 तक, करीब 3-3.5 हजार तक लगने का अनुमान है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो देखिए, ज़्यादा सर्विसिंग में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिंपल, मतलब जितना हम, इतनी तो हमारी बाइक की सर्विसिंग में हो जाता है। बुलेट वुलेट अगर आप कराते हैं या कार की सर्विसिंग कराते हैं तो वही चीज़ सेम खर्चे में आप अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग करा सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग्स, आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो दूसरों में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही ब्लॉग, ऐसे ही नए नए वीडियोज़, नई नई जानकारी लेकर आपके बीच में आता रहूँ। रखिए अपना खास ख्याल, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय। देखिए, इस तरीके से जो है इसका हाइड्रोलिक काम करता है और ये अब जो है ट्रैक्टर काम ख़त्म करके वापस अपने घर को जा रहा है, मतलब कि हिमांशु भाई वापस जो है, ये देखिए इस तरीके से ये ट्रैक्टर चलता है और इस तरीके से जो है काम करता है, ये आपने आज के वीडियो में हमारे देखा।